तो स्वागत है दोस्तों, आज एक मेरे एक और नए वीडियो में वापस से तुम्हारा भाई एक और नए वीडियो में आ चुका है। और भाई मैं करीबन 5 दिन बाद आया हूँ भाई वीडियो के लिए, 5 दिन बाद आया हूँ। थोड़ा सा टाइम लग गया भाई, ये नए वाले मोबाइल में थोड़ा गेम प्ले यार अपना करना है ना भाई, इसके लिए थोड़ा अभी प्रैक्टिस चालू है भाई। करीबन एक महीना लगेगा मेरे को, एक महीना। इसके वजह से मैं वीडियो भी नहीं डाल पा रहा हूँ, ना कुछ आ रहा है। लेकिन भाई कल उड़ते उड़ते एक खबर आई कि अब कहाँ गया भाई चैलेंज, जो सीधा टारगेट मेरे को किया गया है, ठीक है, सीधा टारगेट मेरे को किया गया है, जो कि मैं नहीं था। मतलब उस समय जब ऐसा बात हुआ भाई, ऐसा उड़ते उड़ते खबर आया है, बात हुआ तो मैं नहीं था, ऐसा मैं ऑनलाइन ही नहीं था, नहीं तो मेरे को बुलाते ऐसा। लेकिन मैं वो चोदू चमन लोग को, लोडू चंद लोग को यही बोलना चाहता हूँ, अभी भी हम रेडी हैं, ठीक है, पीठ पीछे मत बोलो, जो बात है खुला मुँह पे मचाओ, बायो में डालो, तुम उनको छोड़ो, मैं आ रहा हूँ, ठीक है। अरे भंगी लोग, हमारा एक खौफ एक डेयरिंग देख के तुम लोग 1 लाख स्कोर किया है, ठीक है। बंदे ने खाली नाम डाल दिया राठी गेमिंग, खाली नाम डालने से तुम्हारा गांड फट गया इतना। तो सोचो हम आ जाएंगे तो सिलाई भी लगाने का वक्त नहीं मिलेगा तुमको, ठीक है, सिलाई भी लगाने का वक्त नहीं मिलेगा। गाइस अभी थोड़ा मेरा आवाज़ बैठा हुआ लग रहा है क्योंकि मैं रेगुलर अभी क्या बोलूं भाई आप लोग को, थोड़ा सा तबीयत खराब चल रहा है मेरा इसकी वजह से। गेम में मैं आता हूँ खाली SVD से किल करके चले जाता हूँ भाई, यही काम है, वीडियो से कुछ अपने को लेना ही देना नहीं है। लेकिन भाई कल एक उड़ते उड़ते खबर आया, बहुत सारे बंदे ये बोल रहे हैं नाइट हर्स भाई चैलेंज के लिए आपको बोल रहा था, ठीक है, बोल रहा था। तो मैं उस चोदू चमन को यही बोलना चाहता हूँ, मैं फिर एक बार भाई दिमाग में बैठा देना चाहता हूँ, तुम सब रीजन प्लेयर एक हो जाओ, जितना तुम्हारा दुश्मनी है सब दोस्ती बन के सब एक हो जाओ, उसके बाद तुम सब एक ग्रुप बनाओ और सीधा ग्रुप बना के रीजन वाले जितने भी लोड़ू चंद लोग हैं, ठीक है, जो हिटर्स है राठी के खिलाफ, जो बगावत के लिए उंगली उठेगा वो उंगली कट जाएगा, ठीक है, और उसको काटने का एक ही तरीका है, तुम बायो में उल्टा सीधा डालो, हम तो अभी भी मौका है मेरे भाई, तू 1 लाख स्कोर किया है बराबर, हमने 1,25,000 स्कोर किया है, ठीक है, 1,25,000 स्कोर किया, उससे आगे भी हम लोग बढ़ा देते, लेकिन बगावत के लिए कोई खड़ा नहीं था, ठीक है, बगावत के लिए कोई खड़ा नहीं था, और हमारे नाम से ही तुम लोग ने 1 लाख स्कोर इस बार किया है। क्यों पता है, राठी गेमिंग नाम एक ACR नाम का बंदा है, अपने फ्रेंड लिस्ट का ही बंदा है भाई ने नाम रखा था, तो उससे क्या है ना फट गया था ऐसा, पूरा बोल रहा हूँ ना, हर एक यूट्यूबर कांप गया था कि राठी फिर आ गया, वो आ गया वापस से, ठीक है, वो खाली खौफ के लिए आया था, बंदे ने खाली नाम डाला था, तो मैं बोला राठी भाई को कि देखो यहाँ पे बंदे ने नाम डाला है, थोड़ा इसको देख लिया जाए भाई, एक आक वीडियो बहुत समय हो गया, 1.5 महीना हो गया, 1 वीडियो में बोल दो भाई, ठीक है, अपना इंट्रोडक्शन दे दो सही से, तो भाई दे दिया उन्होंने, अभी जान दो वो बात गया रात गया, थोड़ा एक्शन बोल्ट को उन्होंने सुनाया था भाई, फिर एक्शन बोल्ट भी अभी कुछ बोल नहीं रहा है, तो इसके लिए जान देते भाई, अभी क्या है भाई, क्या छेड़ेंगे भाई, हाँ क्या छेड़ेंगे, छेड़ के तो पूरा हर जगह दुश्मनी बना लिए हमको, और दुश्मनी बनाना ही है भाई, दुश्मनी करना है, एकता बना के भाई, आज की जो जनरेशन है ना ब्रो, ऑडियंस जो है ना सब लोडू चंद है, ठीक है, जितने भी रीजन प्लेयर हैं सब फकीर है, समझ में आ रहा है, कोई साला सब एक दूसरे से जलते रहता है, जिसका पलटा भारी उसके साइड कूदे हर भिखारी, ठीक है, जिसका पलटा भारी उसके साइड कूदे हर एक भिखारी, ऐसा सिचुएशन आ गया मेरे भाई, ठीक है, और ऐसा ही सिचुएशन है। इसके लिए मैं यही बोलना चाहता हूँ, ये रीजन प्लेयर जितने भी लोड़ू चंद लोग हैं, हेटर्स हैं, तुम सब एक ग्रुप बनाओ, मैं कितने दिन से बोल रहा हूँ, हम लोग ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, हम लोग ने एक स्कोर इतना आगे पहुंचाया, तब जाके सब बंदे सोचते कहाँ वो 13,000 लॉबी का आता था, ठीक है, 13,000-14,000 लॉबी से आगे बढ़ता नहीं था, उसके बाद बिट्टू आया ग्लिच उलिच किया, उसके बाद सिस्टम आया, ऐसे आते गया बराबर आते गया। उस टाइम पे क्या हुआ था, ये हमारा ग्लिच का सिलसिला कहाँ से स्टार्ट हुआ, राठी भाई तो कभी बोलेंगे नहीं, लेकिन मैं आप लोग को बता देता हूँ, ठीक है, जो बातें खुला मुंह पे मचाता हूँ मैं, किसी का डर भय नहीं है, किसके गांड के अंदर गूदा है ब्रो रोक के बताए, डेयरिंग दिखाए, रुतबा दिखाए, ठीक है, पीठ पीछे बुराई करके कुछ फायदा नहीं है, सीधा मुंह पे मचाओ, जो काम है वो मुंह पे बचाओ, ठीक है, मैं यही बोलना चाहता हूँ। एक टाइम पे कितने ये UG आयुष वायुष जितने ये सब लोड़ू चंद लोग है ना वीबेज वाले भटकते थे भाई भाई करके, ठीक है, कि भाई नाम रख दो, भाई नाम रख दो, भाई आईडी पुश कर दो, तो भाई उस समय पे तो एक बार पता है आप लोग को यूजी आयुष का नाम टॉप 1 पे रखा था हम लोग ने, बराबर यूजी आयुष का नाम टॉप 1 पे गूजा था, लेकिन बंदे को सपोर्ट नहीं मिला था, और रखा कौन था,
राजू गेमिंग ने, KGF राजू, ठीक है, उसने रखा था, बंदे को सपोर्ट नहीं मिला, ये शाम हम सब एक ही बंदे थे, तो नाम रखा था उसका, तो सपोर्ट नहीं मिला, तो वो काम निकल गया, अपना काम बनता दाण मराए जनता, ये वाला सिस्टम है, ठीक है, अपना काम तो हो गया, दूसरा गया तेल लेने, तो उसको क्या व्यूज चाहिए था, ऑडियंस चाहिए था, टॉप वन पे गुजरा यूजी आयुष ऐसा करके, लेकिन उस फकीर चल लोग को एक ही मैं चैलेंज करना चाहता हूँ, तुम लोग आओ वापस से आओ, और आजकल की ऑडियंस, बराबर मैं ऑडियंस को नहीं बोलना चाहता हूँ, मेन ये यूट्यूबर है चौदू लोग, ठीक है, चौदू चमन, ये लोग बोलते हैं कि फ्री ओल्ड फ्री फायर, अबे भिखारी लोग, तुम लोग बोलता है तभी वो ऑडियंस को समझ में आता है, ये नहीं तुम लोग बोल सकता कि भाई कहाँ फ्री फायर गया है, खेल तो रहे हो तुम लोग, हाँ खेल तो रहे हो, बराबर खेल तो रहे, इसके लिए फेक अफवाह मत फैलाओ भाई, दो चार जो ऑडियंस है वो भी मन रूठ जा रही है वो लोग का, ठीक है, साले खेल तो, अगर खेलते नहीं तब ना बोलते कि भाई फ्री फायर अब नहीं रहा, ये नहीं रहा, वो नहीं रहा, साला फेक न्यूज फैलाता है तुम लोग, जो दो चार बंदे खेलने के लिए भी आएंगे वो भी साला मन रूठ जाएगा वो लोग का कि ये तो नया फ्री फायर है, पुराना फ्री फायर नहीं है, तो पुराना फ्री फायर चाहिए। अब भाई मैं आप लोग को एक ही चीज बोलना चाहता हूँ, आप लोग बचपन से क्या छोटे ही रहते हो, आप लोग बड़े नहीं होते हो, आप लोग ग्रोथ नहीं होते हो, आप लोग ग्रो नहीं होते हो, वैसे ये फ्री फायर भी वैसा ही है भाई, गेम है, ठीक है, गेम है, गेम की अपना अपना कुछ डिमांड होता है भाई, डिसीजन होता है, अलग अलग चेंजेस आता है ना, आप लोग भी बड़े होते हो तो आप लोग के अंदर अलग अलग चेंजेस आता है, वैसे ये फ्री फायर है, आप पुराना वाला थोड़ी ना आ सकता भाई, नया है, अलग अलग चेंज होते रहेगा, आप लोग भी तो चेंज हो रहे हो, आप लोग कहाँ बचपन में 4 साल के थे तो 4 ही साल के पड़े हुए हो, आप लोग भी तो बढ़ रहे हो आगे, हाँ आप लोग भी आगे बढ़ रहे हो ना, अभी ये रॉकी RDX भाई ने एक चीज बोला कि ये सब ये गलती खाली ऑडियंस की नहीं है, कोई मैं नहीं बोलना चाहता कि कोई ऑडियंस की गलती है, ये सारे यूट्यूबर की गलती है, क्यों पता है गाइस, ये लोग अगर बोले कि भाई ये फ्री फायर है, ठीक है, वो लोग पहले अपना डाल देता है कि ये फ्री फायर नहीं है, रिवाइवल सिस्टम हटाओ, ये सा हटाओ, वो हटाओ, तो रिवाइवल सिस्टम हट जाएगा तो मेन दिक्कत तो तुम लोग को ही होगा, इसलिए बताऊं मैं, मेन दिक्कत तुम लोग को ही होगा, हम तो ठहरे ग्लिच यूजर, हमको कोई चैलेंज करेगा हम आधार कार्ड वाला लगा के आ जाएंगे तुरंत, तुम लोग जितना 150+ लाएगा एक गेम में, हम लोग लाएंगे 800+, कहाँ जाएगा फिर तुम लोग, कौन बचाएगा तुम लोग को, वो सोचो ना, जैसा है चुपचाप चलने दो, भ्रम में मत रखो बंदे लोग को कि फ्री फायर आने वाला है, नहीं आया है, आएगा नहीं आएगा, अरे घंटा मेरा, तुम लोग साले खुद चूतिए हो, तुम लोग कुछ भी बड़बड़ा देते हो, ऑडियंस को सुना देते हो भाई कि ऐसा है वैसा, ऑडियंस तो भाई बड़े यूट्यूबर का ही बात मानेंगी, ठीक है, वो लोग का ही देख देख के भाई सीखेगी वो लोग, बराबर, अभी ये सब बात को भाई साइड में रखते हैं, मेन टॉपिक है रीजन प्लेयर लोग का, ठीक है, तो इन चौदू चमन लोग को जितने भी है तुम सारे के सारे एक ही बार में सबको ठोक दूंगा मैं अकेला, खाली वहां से ऑर्डर आया ना कि भाई यहाँ पे ठोकना है तो ठोकना है, इतना याद रखना, ठीक है, अभी फॉर्म में आके बात करता हूँ, तुम्हारी माँ की जय मारू, आतड़ी निकाल लूंगा साला तुम लोग का, आओ तुम लोग, जितने रीजन पे प्लेयर हो तुम लोग, जितने ग्लिच यूजर, अभी कौन अगर एक बंदा बोला कि भाई के ग्लिच यूजर नहीं है, जो फेयर बंदा खेल रहा है उसको मैं नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, लेकिन अगर किसी ने बोला कि मैं ग्लिच यूज नहीं कर रहा हूँ टॉप 10 के अंदर में, तो बड़े लोग का मार के आतड़ी निकाल लूंगा, ठीक है, आतड़ी निकालो, टॉप 10 में सब के सब ग्लिच यूजर नहीं है, लेकिन जो जो है उसको तो पता है, सबको पता है, ठीक है, सबको पता है, और टॉप 20 के भी अंदर में, पहले ही बोलना चाहता हूँ, अंकुश का स्कोर कहाँ था और कहाँ आ गया, तुम लोग बोलता है वीपेज वाला ग्लिच यूज नहीं करता है, लेकिन अब मैं क्या समझाऊं तुम लोग कहाँ का ऑडियंस है, कुछ भी समझ में नहीं आता है, 4-6 घंटा बंदा लाइव कर देता है तो तुम लोग सोचते है भाई फेयर खेल रहा है, लाइव में खेल रहा है, अरे भाई वो सोता नहीं है क्या, सोने के बाद क्या होता है, आईडी पे क्या नहीं होता है, ये सब तुम लोग को नहीं समझ में आता है, ये सब कब समझोगे तुम लोग, हाँ समझा करो, थोड़ा समझ के लिया करो, ऐसे ही बकचोदी मत किया करो, ठीक है, और हमारा काम क्या है भाई, चैलेंज देना, चैलेंज एक्सेप्ट करो, पूरी तरह से बदनाम करके विजय प्राप्त करते हैं हम लोग सीधा, अभी भी चांस है ब्रो, नाइट हर सुन ले भाई, तेरा मेरे से कोई लफड़ा नहीं है, लेकिन ब्रो तू एक ग्लिच यूजर है, ठीक है, और हम भी ग्लिच यूजर है, तो दोनों का टक्कर होगा, बहुत मजा आएगा, तू जीत या मैं जीतू, तू ले ले टक्कर, और भाई बायो में डाल दे, मैं अपने आईडी से ही आ जाता हूँ, चल अपने आईडी से ही आ जाता हूँ, वो राठी भाई का नाम तो लिखना ही है, वो लिखूंगा मैं, लेकिन रीजन पे टॉप वन आके पहले अपना ही नाम रहेगा, उसके बाद राठी गेमिंग करेगा, ठीक है, तेरे को दिखाने के लिए टक्कर में आना है, बायो में डाल दे, अभी भी रेडी हूं मैं,
मैं तुम लोग सोचते हो कि राज भाई ये बोलते हैं तो करते क्यों नहीं है, करने का एक रीजन है ब्रो। कभी भी इतना याद रखना, जितना तुम बदनाम होगे उतना ही नाम होगा, ठीक है। आज के डेट में ऐसा तुम्हारे भाई ने करके बता दे, बड़े से बड़े यूट्यूबर भी हड़क जाते हैं भाई। ग्रुप में घुसते ही हर एक बंदा बोलने लगता है कि भाई आ गया, भाई आ गया। भाई एक होता है डेयरिंग मेरे भाई, भले बदनाम होके आए हैं, ठीक है, बदनाम होके, मेरे हिसाब से पहले तुम लोग बदनाम हो जाओ, उसके बाद नाम कमाओ, उसके बाद देखो कैसे तुम्हारा नाम का चर्चा होता है। जितना बदनाम होगे उतना नाम होगा तुम्हारा, सीधा मैं यही बोलना चाहता हूं, क्योंकि आज के डेट में यही चल रहा है। तो हमारा एक ही उदाहरण है, रीजन पे जितने चिल्ले पिल्ले हैं सब बायो में तुम गाली दो, ठीक है, चलो खुले हम चैलेंज, गाली दो, उसके बाद मैं टॉप वन मारूंगा, वो भी 2 दिन के अंदर मैं गारंटी के साथ। अभी मेरा है 18,000 स्कोर, बराबर, अभी 18 या फिर 22,000 स्कोर है, मैं मार दूंगा 1,00,000 स्कोर 2 दिन के अंदर मैं गारंटी के साथ। गाड़ में दम है, चैलेंज एक्सेप्ट करो।